देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश में पहला लड़ाका एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, और इसके तहत बहुत जबरदस्त पैमाने पर हमारी जॉब क्रिएशन होगी। ऊंचाई हो निचाई हो, हर तरह के माहौल में जो है ये एयरक्राफ्ट काम करेंगे। कई प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान में बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि देश में पहला लड़ाका एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और प्राइवेट कंपनी टाटा एयरबस इसे बना रही है। आपको बता दें, देश के इतिहास में 1991 में देश में पहला एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था, और उसके बाद हमारा देश हेलीकॉप्टर, टैंक्स, सबमरीन सब जो बना रहा है, उसकी टेक्निक जो है हमारे देश के पास है, एक्सपीरियंस उसके पास है, लेकिन अपनी तरह का जो एयरक्राफ्ट है जिसकी नींव जो है गुजरात में रखी गई है, और टाटा एयरबस एक प्राइवेट कंपनी जो है इसे बना रही है, अपने आप में बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है। और ये पूरा टेक्निकल मामला है, इसलिए हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, और उनसे हमने इस एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी ली है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें इस समय विश्व में सिविल एविएशन का जो बाजार है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7वें स्थान पर है, लेकिन कहा जा रहा है विद इन 10 ईयर्स हमारी जो रैंकिंग है नंबर 3 हो जाएगी। यानी हम इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बना लेंगे कि जो हमारी सिविल एविएशन की जो क्षमता है वो 3रे नंबर पर पहुंच जाएगी विश्व में। और जिस तरह से हमारी मार्केट बन रही है, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में हमें 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट है इसकी क्या खासियत है, किस तरह से ये एयरक्राफ्ट जब आएगा, बनकर के आएगा, जो कहा जा रहा है 2026 में कुछ एयरक्राफ्ट बनकर आ जाएंगे, तो LAC और LOC में हमारी पोजीशन किस तरह से स्ट्रांग होगी, किस तरह से चीन और पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं उनको खतरा पैदा होगा, तमाम बातों की चर्चा की है न्यूज नशा के पैनल पे पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा और सिंपल है कि इस जो एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है इसकी क्या क्या खासियत है, और किस माहौल में, जो कहा जा रहा है कि लड़ाका एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है, किस किस माहौल में ये काम करने की क्षमता रखेगा? C295 बैटल टेस्टेड लाइट टू मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ये पहली बार है हिंदुस्तान में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है बनाया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धता है। इसके तहत बहुत जबरदस्त पैमाने पर हमारी जॉब क्रिएशन होगी, हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज को कौशल होगा, और हमको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिलेगा। टोटल 56 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे, जिसमें से 16 जो है वो फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे, और वो सारे के सारे 23 से 25 के बीच में मिल जाएंगे। पहला हिंदुस्तान में बनाया हुआ हवाई जहाज जो है वो 2026 में तैयार होगा। ये एक ऐसा लड़ाका है जो हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट पे काम कर सकता है, हर प्रकार के माहौल में काम कर सकता है, डे एंड नाइट ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकता है, और ट्रूप लिफ्टिंग के लिए, रिकॉनसेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होगा। ये हिंदुस्तान के अंदर जो 40 से 50 साल पुराने एवरो 748 है उनको रिप्लेस करेंगे, और ये उनकी रिप्लेसमेंट के बाद LOC और LAC के लिए हिंदुस्तान की वायुसेना की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ा उछाल आएगा, जो बड़ा फायदेमंद होगा हिंदुस्तान की, खास करके फौज के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जो लड़ाका बनेगा ये ट्रूप लिफ्टिंग है, सर्वेलेंस है, उस सब के काम आएगा। और जो हमारे एयरक्राफ्ट जो पुराने हो चुके हैं हमारे बेड़े में, जो कहा जाता है कि एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उसके पास, जो एयरफोर्स है उसके पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो पुराने हो चुके हैं, तो माना जा रहा है कि जब ये बनकर आएंगे तो वो उसको रिप्लेस करेंगे। 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेंगे। साथ साथ ही किसी भी कंडीशन में काम करने की क्षमता रखते हैं, चाहे ठंडा हो, गर्म हो, ऊंचाई हो, निचाई हो, हर तरह के माहौल में जो है ये एयरक्राफ्ट काम करेंगे। और इसके आने से जो हमारी पोजीशन है, जो बार बार कहा जा रहा है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पोजीशन है, और बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान और चीन के साथ जो हमारी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। सर, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा कि जब ऐसी क्षमताएं आती हैं, जब हमारी जो आर्मी है, जो एयरफोर्स में जब इस तरह की टेक्निक आती है, तो जो पड़ोसी देश है जो लगातार भारत के बॉर्डर एरिया में
जो है गड़बड़ी करते हैं, भारत में घुसपैठ करते हैं, लड़ाई का मौका मिलता है तो लड़ने से नहीं चूकते, लेकिन जब इस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह की जब पता चलता है कि निर्माण कार्य शुरू हो गया भारत में और भारत इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है कि सभी को पता है इस समय भारत हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन से लेकर फाइटर जेट से लेकर सभी बना रहा है, और ऐसे में एक प्राइवेट कंपनी एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रही है, लड़ाका एयरक्राफ्ट है, यूरोपियन जो कुछ कंपनीज है उसकी मदद से ये तैयारी की जा रही है, तो किस तरह से हमारे पड़ोसी देश पर भी प्रेशर रहेगा? हिंदुस्तान को कुछ हद तक तजुर्बा है मिलिट्री के हवाई जहाज बनाने का। पहले हिंदुस्तान में दो हवाई जहाज बने, HF-24 और नेट, और दोनों ने ही 71 ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आज 6 प्रकार के हवाई जहाज जो है हिंदुस्तान में बन रहे हैं। सबसे पहला जो है हॉक, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, उसके अलावा कई प्रकार के ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं जिसमें इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है। इसके अलावा जो है डॉर्नियर हिंदुस्तान में बन रहे हैं, और दो और वैरायटी के बन रहे हैं हवाई जहाज, और कई प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स हैं हिंदुस्तान में बन रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान में एक और जो हवाई जहाज है वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से SU-30 Mk 1 भी हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। अभी जो C-295 बनने जा रहा है ये लेटेस्ट है, हर प्रकार के मॉडर्न एवियोनिक्स और विजोनिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। ये दुनिया का सबसे अहम और काबिल लड़ाका है इन इट्स ओन स्फीयर, और हमारे LAC और LOC में बहुत बड़े पैमाने पर ये काम आएगा, और हिंदुस्तान की ताकत जो है बहुत बढ़ेगी। चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करेगा, फॉर कैरिंग ऑफ ट्रूप्स, इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टीज, रीसप्लाई, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस एंड मेंटेनेंस के लिए। ऐसे में सबसे बड़ी बात है जो लड़ाका बनेगा ये ट्रूप लिफ्टिंग है, सर्वेलेंस है, उस सब के काम आएगा। और जो हमारे एयरक्राफ्ट जो पुराने हो चुके हैं, हमारे बेड़े में जो कहा जाता है कि एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उसके पास, जो एयरफोर्स है उसके पास, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, वो पुराने हो चुके हैं, तो माना जा रहा है कि जब ये बनकर आएंगे तो वो उसको रिप्लेस करेंगे। 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेंगे। साथ साथ ये किसी भी कंडीशन में काम करने की क्षमता रखते हैं, चाहे ठंडा हो, गर्म हो, ऊंचाई हो, निचाई हो, हर तरह के माहौल में जो है ये एयरक्राफ्ट काम करेंगे। इसके आने से जो हमारी पोजीशन है, जो बार बार कहा जा रहा है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पोजीशन है, और बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान और चीन के साथ जो हमारी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। सर, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा कि जब ऐसी क्षमताएं आती हैं, जब हमारी जो आर्मी है, जो एयरफोर्स में जब इस तरह की टेक्निक आती है, तो जो पड़ोसी देश है जो लगातार भारत के बॉर्डर एरिया में जो है गड़बड़ी करते हैं, भारत में घुसपैठ करते हैं, लड़ाई का मौका मिलता है तो लड़ने से नहीं चूकते, लेकिन जब इस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह की जब पता चलता है कि निर्माण कार्य शुरू हो गया भारत में और भारत इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है कि सभी को पता है इस समय भारत हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन से लेकर फाइटर जेट से लेकर सभी बना रहा है, और ऐसे में अब एक प्राइवेट कंपनी एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रही है, लड़ाका एयरक्राफ्ट है, यूरोपियन जो कुछ कंपनीज है उसकी मदद से ये तैयारी की जा रही है, तो किस तरह से हमारे पड़ोसी देश पर भी प्रेशर रहेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ News Nasha।